नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। प्यार इश्क मोहब्बत अब भी समाज के गले नहीं उतरता और जाहिर है इसी समाज के डर से कभी अपने ही घर वालों के गले भी नहीं उतर पाती। इज्जत जाने का डर कुछ भी करवा सकता है। आज भी लोग सम्मान प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखकर किसी का खून भी करना पड़े तो चूकते नहीं है। ऐसा ही कुछ वागड़ से आई एक खबर ने एहसास करवा दिया, जहां बेटी के साथ फेरे पूरे होते ही ससुर ने दामाद पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में दूल्हे और दुल्हन समेत चार लोग घायल हो गए। पिता बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज था। बेटी 4 महीने पहले इसी युवक के साथ भाग गई थी, जिसे पिता नाराज चल रहा था। मामला डूंगरपुर के ओबरी इलाके का है, जहां सोमवार दोपहर के समय यह वारदात हो गई। सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खड़गदा गांव से चिराग पुत्र प्रभु यादव की बारात सोमवार सुबह बरबोदनिया गांव में भाविका पुत्र कालूराम यादव के घर आई थी। चिराग और भाविका दोनों की शादी होनी थी। भाविका की छोटी बहन की भी शादी थी, उसकी भी मांडव गांव से बारात आई थी। दोनों परिवारों में शादी को लेकर उत्साह का माहौल था। बारात आते ही दुल्हन के परिवार के लोगों ने स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर आए, बारातियों का स्वागत भी हुआ। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के परिवार की मौजूदगी में शादी की सभी रस्में पूरी भी कर ली गई। सात फेरे पूरे होने के कुछ ही देर बाद इस शादी से नाराज दुल्हन भाविका के पिता कालूराम यादव ने दूल्हे चिराग को घर में बुलाया और इसके बाद तलवार से चिराग पर हमला कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुल्हन भाविका बीच बचाव की दिखाई तो पिता ने उस पर भी तलवार से हमला कर दिया। इसके अलावा बचाव में आए दूल्हे के भाई अनुराग पुत्र प्रभु यादव और रोहित पुत्र पुरुषोत्तम वैष्णव निवासी प्रतापपुर को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर ओबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और देर रात तक दूल्हे पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी। बेटी भाविका 4 महीने पहले दूल्हे चिराग के साथ ही भागी थी। पिता कालूराम ने ओबरी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने भाविका को डिटेन किया था और इसके बाद उसने चिराग से ही शादी करने की बात कही। बेटी की जिद पर एक बार पिता मान तो गए, लेकिन बेटी के इस प्रेम विवाह से वो खुश नहीं हो पाए और इसी वजह से आज शादी के फेरे होते ही पिता ने तलवार से हमला कर दिया।